हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पीछे ये देख रहे हो, इसे दोस्त कहते हैं। दोस्त मतलब कमीने दोस्त। मैं और मयंक हम लोग निकले थे कि पुणे में शादी अटेंड करेंगे और निकल जाएंगे गोवा। गोवा का भी प्लान कैंसिल करवा दिया। आज सुबह सैटरडे, हम लोग सुबह 11 बजे से सोच रहे हैं कि निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बजे। सुबह से निकलने नहीं दिया। खैर हम लोग अभी निकल रहे हैं, अब रात को रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे वो देखते हैं रोड पे क्या हालत रहता है, कितना टाइम लगता है, क्योंकि ट्रैफिक तो अभी बहुत होगा पुणे के रास्ते में। पुणे क्रॉस करते हुए बहुत टाइम लग जाएगा अगर शरीर में दम रहा, क्योंकि क्योंकि लास्ट एक हफ्ते से तो मस्ती बहुत किया है तो नींद नींद थोड़ा कम हुआ है। अब देखते हैं, अगर हिम्मत रहा तो रात में ड्राइव करेंगे, अगर हिम्मत नहीं रहा तो रात में कहीं रुक जाएंगे। चले आप लोग को मिलते हैं रोड पे। बाय बाय फॉलोअर्स। तो डीजल मैंने फुल कर लिया है, आप देख सकते हो ये फुल है। और जब तक मयंक इधर पानी वानी लेने गया है, ये देखो पानी ले रहा है क्योंकि रास्ते में पानी तो चाहिए अपने को। टाइम हो गया 7:09। जब तक मयंक पानी ले रहा है तब तक मैं ट्रिप मीटर को जीरो कर देता हूँ ताकि पता रहे कि कितना हम लोग टोटल ट्रैवल करेंगे। ट्रिप मीटर कर दिया जीरो, तो लगभग 1500 किलोमीटर होगा हम लोग का घर यहाँ से गुड़गांव। मैं अभी भी पुणे के अंदर ही हूँ, अभी 10 मिनट हुआ है निकले हुए। तो दोस्तों पुणे से निकल के नासिक की ओर जाने के लिए आप चाकन होके जा सकते हो। मैं चाकन होके आया था इसलिए वो वाला रास्ता मैंने लिया नहीं, मैं अहमदनगर की तरफ से आया। अब ये जगह कौन सी है मुझे पता नहीं है, छोटी सी सिंगल रोड है जो जिसमें हम लोग काफ़ी देर से चल रहे हैं। अब नासिक के हाईवे पे कहीं तो जाके ये टच करेगा। नासिक यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर है। खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट जो दिखाने के लिए मैंने फ़ोन उठाया अभी वो ये है कि ये देखो ये सिंगल लेन रोड है और पूरा जंगल एरिया है एकदम। ये जैसे सामने ये गाड़ी हम लोग को क्रॉस किया है, मुझे लगता है लगभग 1.5 मिनट्स के बाद ही क्रॉस किया है, उससे पहले तो कोई गाड़ी भी क्रॉस किया नहीं था। इक्का दुक्का गाड़ी ऑपोजिट साइड से आया है, पर देखो पूरा जंगल है। और ये देखो मून देखो कितना बढ़िया लग रहा है, यहाँ पर कैमरे में तो आएगा नहीं इतना, बट दिस इज कम्प्लीटली इनसाइड अ फॉरेस्ट। आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस, इतना कोई पॉपुलर डेस्टिनेशन है नहीं, होता तो पता रहता मेरे को, बट दिस इज हाउ इट इज। हाईवे पे हम लोग आ चुके थे काफ़ी देर पहले ही, तो पुणे से हम लोग कवर कर लिए अभी 213 किलोमीटर्स। टाइम हो रहा है 11:14। इस बार वापस जाते टाइम थोड़ा स्लो था ड्राइव, इस बार उतना स्लो रहा नहीं, काफ़ी फास्ट कवर कर रहे हम लोग डिस्टेंसेस। और रात के टाइम ऐसे खाली हाईवे मिला और ये देखो रोड देख रहे हो, देखा कैसे वो सामने वाला ट्रक कैसे कूद रहा था। तो रोड बस वही है, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है ऐसे रोड पे क्योंकि अचानक से गड्ढा आ जाता है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो लास्ट मोमेंट पे अगर बहुत हाई स्पीड पे आप ड्राइव कर रहे हो तो। बाकी रात में ट्रेवल करने का फ़ायदा ये है कि आपको ऐसे खाली रोड्स मिलते हैं, सिर्फ ट्रक्स मिलते हैं, लोकल ट्रैफिक कुछ होता नहीं। आप लोगों ने कभी रात के हाईवे में ड्राइव करते करते डीजे एनवाई के का म्यूजिक ट्राई किया क्या सुनने का? कभी ट्राई करना, मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मेरा गाड़ी के इको स्पोर्ट का स्टॉक वाला म्यूजिक सिस्टम जो है वो मेरे को काफ़ी पसंद है, तो सराउंड साउंड वगैरह बहुत बढ़िया आ रहा है। अगर कॉपीराइट के इशू नहीं रहता तो मैं ज़रूर शेयर करता आप लोगों के साथ, पर हाँ चलाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। कभी ट्राई करना, डीजे एनवाई के यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियोस इनके मिल जाएंगे। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है रात को ऐसे सुनते हुए चलाने में। दूर देखो शायद कोई शहर आ रहा है, नासिक शायद यहाँ से रहेगा 20-25 किलोमीटर और। तो हम लोग अभी नासिक सिटी क्रॉस कर रहे हैं, 229-230 किलोमीटर्स अप फ्रॉम आवर प्लेस इन पुणे। टाइम हो गया 11:30 इन द नाइट, तो हम लोगों को 4.5 आवर्स लग गया। तो प्लान अब ये कर रहे हैं कि हम लोग रोड साइड में किसी होटल वोटल देखेंगे, देख के रात को शायद यहीं पर रुक जाएंगे। है मयंक रुक जाएंगे क्या? हाँ नासिक पे रुक जाएंगे और सुबह सुबह 5 बजे हम निकल जाएंगे नासिक से दिल्ली गुड़गांव के लिए। तो ये मेन हाईवे है, हम लोगों को इसी में ये होटल मिल गया, होटल प्रिया। रूम्स ठीक है, साफ़ सुथरा है, 1500 रुपये ले रहे रात का। हम लोग सोच रहे हैं रात यहीं पर बिता देंगे। गाड़ी का पार्किंग वार्किंग स्पेस भी है, यहाँ पार्किंग कर दिया गाड़ी। छोटा मोटा जो एक दो सामान है बस रात का काम का वो उठा लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी जाके सो जाए, सुबह सुबह 5 बजे निकल जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के टाइम हो रहा है अभी 7:15। कल रात को हम लोग ये पीछे जैसे लास्ट शॉट में आपने देखा ये होटल प्रिया पे रुक गए थे, अभी हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। लगभग 1300 किलोमीटर्स के आसपास का होना चाहिए, 50 किलोमीटर्स हियर एंड देयर। प्लान ये है कि रात को 12:30-1 o'clock तक पहुंच जाए, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। और ये देखो क्या मस्त सनराइज़ दिख रहा है हम लोगों को।
एकदम हाईवे के किनारे होटल था, तो कुछ ऐसे माहौल है यहाँ का। तो घाटी सेक्शन चालू हो चुका है दोस्तों, सुबह से हम लोग लगभग 70-75 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुके हैं। और ये देख रहे हो साइकिल में अंकल जा रहे हैं, ये देखो ये अंकल अभी पीछे, ये लोग का कोई टीम है शायद 7-8 लोगों का। ये अंकल से मैंने बात किया, ये देखो एक जन और है। ये लोग नर्मदा परिक्रमा पे निकले हैं फ्रॉम नासिक, तो 3200 किलोमीटर्स का साइकिलिंग ट्रिप है इन लोगों का, स्प्रेड ओवर 50 डेज। मतलब सैल्यूट टू द पैशन ऑफ दिस जेंटलमैन। और रोड का कंडीशन पता नहीं, आते वक्त शायद हम लोग को थोड़ा सा बेटर लग रहा, जब हम लोग गए थे पुणे तब रोड थोड़ा सा ज़्यादा खराब लग रहा था। आई डोंट नो इफ इट्स अ मेंटल ब्लॉकेज और एक्चुअली द सिचुएशन इज लाइक दैट। तो हम लोग रुके हुए हाईवे के एकदम पास धुले में, टाइम हो रहा है 9:40। और महाराष्ट्र या MP में आओ तो पोहा या फिर मिसल पाव खाना तो बनता है, तो मैंने ये मिसल पाव लिया था जो ख़त्म हो चुका है, और मेरा दोस्त मयंक ने लिया है ये पोहा और साथ में गर्मा गर्म चाय, आज का नाश्ता। एक और घाट सेक्शन चालू हो चुका है और बाहर गर्मी बहुत है, मतलब 30 डिग्री है, तो लग ही नहीं रहा है कि दिसंबर का महीना चल रहा है। अब ये घाट सेक्शंस में इशू क्या आता है कि ये ट्रक्स ना ऊपर चढ़ नहीं पाता है बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन, नॉट द इंक्लिनेशन, बिकॉज ऑफ द स्टीप स्लोप्स, तो थोड़ा सा ट्रैफिक लग जाता है। तो फिलहाल इसमें ट्रैफिक नहीं है, वी आर अ लिटिल बिट लकी दिस टाइम। इंदौर यहाँ से रह गया अराउंड 60 किलोमीटर्स के आसपास, टाइम में देखो अभी 1, तो मेरे समझ से हम लोग 2 बजे तक इंदौर पहुँच जाएंगे। वहाँ आते वक्त हम लोग आए थे वाया रतलाम, इस बार जाएंगे इंदौर ग्वालियर आगरा होते हुए, ये रूट भी देख लेंगे क्योंकि इस रूट से मैंने पहले कभी ट्रैवल किया नहीं है इंदौर वाला रूट से। क्रॉसिंग इंदौर दोपहर के हो रहा है 1:56, मतलब इंदौर तो थोड़ा पीछे ही रह गया है, देवास आने वाला है, देवास मस्ट बी अराउंड 20-25 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। अब एक जगह लंच के लिए कहीं रुकेंगे, स्टॉप्ड फॉर लंच एट दिस प्लेस, ये वेलकम श्री अन्नपूर्णा शुद्ध शाकाहारी फैमिली रेस्टोरेंट। ये आपका मेन हाईवे के ऊपर ही है, देवास की तरफ जाते हो आप इंदौर से तो मेन हाईवे पे है। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया है गार्लिक नान, बटर गार्लिक नान, एंड दिस इज़ पनीर मालवा एंड रोस्टेड पापड़। मयंक पनीर मालवा कैसा लगा, कुछ अलग लगा, अच्छा है, सजेस्टेड है, सिमिलर टू पनीर बटर मसाला। तो है तो पनीर बटर मसाला, नाम थोड़ा अलग दे दें इन लोगों ने, पनीर मालवा। ये पहाड़ का शेप देख रहे हो, एकदम लग रहा है जैसे केक है और केक को किसी ने साइड से काट दिया, मतलब थोड़ा अजीब सा ही है, ऐसा मैंने देखा नहीं है पहले कभी, लग रहा है कोई काट के एकदम चिजल किया हुआ है अलग अलग से, पर ये है तो नेचुरली। एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत गंदा, देखो ट्रक कैसे पलट गया, मुझे लगता है ओवरवेट की वजह से ही हुआ होगा, ये गंदा एक्सीडेंट हो रखा है। एक चाय ब्रेक के लिए रुके हम लोग 150 किलोमीटर्स बिफोर ग्वालियर, रोड देख रहे हो बिल्कुल खाली है, तो इस रास्ते का खासियत ये एकदम रोड्स खाली मिलता है, बस रास्ते में गाय बैठे रहते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल। चाय का छोटा सा टपरी और वो बन रहे हम लोग की गर्मा गर्म चाय, मौसम ठंडा होने लगा है अब। तो हम लोग अभी है ग्वालियर से अराउंड 100 किलोमीटर्स पीछे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम पुणे 1056 किलोमीटर्स, ग्वालियर से 100 नहीं होगा, 100 से कम ही होगा शायद, 70-80 किलोमीटर्स होगा। टाइम हो रहा है अभी शाम के 8:30 बजे, रात के 8:30 रादर, तो एक्सपेक्टेड है कि ग्वालियर में पहुँच जाऊँगा 10 बजे तक, 10 बजे से शायद पहले ही पहुँच जाऊँगा। वहाँ से आगरा विल बी अनदर 2 आवर्स रन, आगरा से 2 घंटा और, देखते हैं कितना टाइम लगता है। खैर मैंने जिसलिए कैमरे उठाया कि अभी तक तो रोड्स बढ़िया था, बट ग्वालियर से 70-80 किलोमीटर्स पहले ना ये आप लोगों को ऐसे डाइवर्जन और ख़राब रोड्स भी मिलेगा, तो अगर आप लोग आते हो ध्यान रखना।
तो द फाइनल लेग ऑफ द जर्नी फ्रॉम पुणे, यमुना एक्सप्रेसवे का बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को। टाइम हो रहा है रात का 1, हम लोग टोटल पुणे से ट्रेवल कर चुके 1304 किलोमीटर्स, जिसमें से 250 किलोमीटर कल हम लोग कवर कर लिए थे। सो लगभग 1150 किलोमीटर सुबह 7 बजे से हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ दिस इज एक्चुअली रेस अगेंस्ट टाइम, कोशिश ये रहेगा जितना जल्दी से जल्दी ये डिस्टेंस जो फाइनल लेग है वो कवर कर पाऊँ मैं। तो वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड आवर प्लेस इन गुड़गांव, ये गोल्फ को स्टोर है गुड़गांव का, तो हम लोग का घर यहाँ से और 5-6 मिनट लगेगा। टाइम हो रहा है सुबह के 4, हम लोग 7 o'clock निकले थे, आज सुबह 4 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे, गुड़गांव पहुँचे। मयंक ज़रा बताइए कुछ कैसा रहा ट्रिप, 7 दिन का, लगभग 3,000-3,500 किलोमीटर ड्राइव, कुछ अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस, कौन कौन कोस्ट का हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बट आई एम वेरी टायर्ड। टायर्ड होना तो बनता है क्योंकि लगातार 7 बजे से 4 बजे मतलब 21 आवर्स ऑफ ड्राइव इज टायरिंग। एनीवेज इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को मेरा ये एफर्ट पसंद आया है, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Until next time, bye bye.